हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा डायरी। टुडेस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर हाउ टू कट फ्लिक्स एट होम। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। एंड फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी मेथड में आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम अपने आगे के फ्लिक्स को कट करेंगे। और इसमें हमें जरा सी भी मेहनत नहीं करनी होगी, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही फास्ट में हम अपने आगे को फ्लिक्स कट करेंगे। और इससे हमारा लुक भी चेंज होगा। और मेरी ये वीडियो आप जरूर देखना एंड तक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये मेरे पीछे के बाल है, तो इसको कट नहीं करूँगी मैं, सिर्फ आगे के बालों को कट करूँगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक सीजर, एक कॉम और एक रबर बैंड। इन तीन चीज़ों से हम अपना हेयर कट करेंगे। तो पहले मैं ले रही हूँ कॉम। तो कॉम से आपको हेयर को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेनी है। ऐसे टू पार्ट्स में हम हेयर को डिवाइड कर लेंगे। टू पार्ट्स में हेयर को डिवाइड कर लेने के बाद हमें हेयर में जितने भी टैंगल्स है उसको कॉम करके रिमूव करनी है। अच्छे से सारे टैंगल्स को रिमूव कर लें। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने अपने हेयर के सारे टैंगल्स को रिमूव कर लिया है। तो हमें इस तरीके से अपने आगे के बालों को ट्रायंगल शेप में निकाल लेनी है। और इसको निकालते समय आपको ये ध्यान देनी है कि आपके आईब्रोज के जो एंडिंग पार्ट है वहाँ तक आपका ट्रायंगल को आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने वन साइड के बालों को निकाल लिया है। तो सेम वे मैं दूसरे साइड के बालों को भी निकालूंगी ट्रायंगल शेप में और अपने आईब्रोज के एंडिंग तक। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों साइड के बालों को ट्रायंगल शेप में निकाल लिया है। और आपको अपने बालों को कान के पीछे से नहीं लेनी है, कान के साइड से लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड से ले लिया है। तो अगर आपको ज़्यादा बड़े फ्लिक्स नहीं चाहिए तो आप छोटे फ्लिक्स बना सकते हैं। तो मुझे भी बड़े फ्लिक्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं यहाँ पे छोटे फ्लिक्स बना रही हूँ और साइड के थोड़े बालों को साइड कर रही हूँ। सेम वे मैं दूसरे साइड के भी बालों को थोड़ा साइड कर दूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े फ्लिक्स अच्छे नहीं लगते, छोटे फ्लिक्स से अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से काम कर लूँगी। तो मैंने अपने जितने फ्लिक्स चाहिए वो निकाल लिया है। तो मैं इतना ही फ्लिक्स को निकाल लूँगी। और जो मेरे पीछे के बाल हैं वो डिस्टर्ब ना करे, उसके लिए मैं अपने सारे पीछे के बालों को एक क्लच, आपके पास क्लच हो तो क्लच या तो रबर जो हो उससे आप इसको सिक्योर कर लें। तो मैं यहाँ पर अपने पीछे के बालों को रबर से सिक्योर कर रही हूँ ताकि मुझे कोई डिस्टर्ब ना हो। तो अब हम आगे के बालों को कट करेंगे। तो ये इतने लंबे हैं मेरे बाल, मैं इसको कट कर दूंगी। तो फिर से हम यहाँ पे अपने फ्लिक को काम कर लेंगे अच्छे से ताकि कोई टैंगल्स ना रहे। अच्छे से काम कर लिया है मैंने अपने फ्लिक्स को। और इसको हम मेजर करेंगे कितना चाहिए, आपको छोटा चाहिए या लंबा चाहिए। तो मुझे तो लंबा ही चाहिए, तो जिसको छोटा चाहिए वो अपने नोट से कट करे फ्लिक्स को। तो यहाँ पे मैं अच्छे से अपने फ्लिक्स को कम कर लेने के बाद, आपको जितना चाहिए, नोट से चाहिए छोटा तो नोट से बनाओ। तो मैं यहाँ पे चेन से ले रही हूँ, मुझे लंबा ही चाहिए, मुझे ज़्यादा छोटा नहीं करना है, क्योंकि ये गर्मी है तो आगे आएंगे तो डिस्टर्ब करेंगे। तो इतने फ्लिक्स को हमें कट करनी है। मैं यहाँ पे चेन से अपना नाप ली हूँ, तो अच्छे से कम करूँगी और जो चेन है वहाँ पर मेजर करूँगी। तो मैंने मेजर कर लिया, तो मैंने चेन से भी थोड़ा इधर ही रखा है। तो अब हम अपने आगे के फ्लिक्स को कट करेंगे। तो हमें एक ही बार में फ्लिक्स को कट नहीं करनी है, धीरे धीरे करके ही फ्लिक्स को कट करनी है। इससे हमारा आगे का फ्लिक्स अच्छा दिखता है और अच्छे से कट हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे फ्लिक्स को कट कर लिया है और जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं उसको कट कर रही हूँ। तो देखिए आप, मैंने इसको कट किया है और कट करने के बाद फिर से मैं इसको कम करूँगी। कम करने के बाद ना आपको जिस साइड से आपका फ्लिक्स चाहिए उसके ऑपोजिट साइड आप ट्विस्ट करो।
तो मैंने यहाँ पे अपने अपोजिट साइड से ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद हम सीजर लेंगे और सीजर से स्ट्रेट कट कर लीजिए। मैं यहाँ पे स्ट्रेट कट कर रही हूँ और इससे बहुत ही अच्छा लुक देता है हमारे फ्लिक्स को और थोड़ा अलग टाइप का भी दिखाता है। तो यहाँ स्ट्रेट में मैं कट कर रही हूँ और जो थोड़ा थोड़ा लंबे बाल हैं उसको भी कट कर रही हूँ। तो ये मेरे फ्लिक्स कट हो चुके हैं और इसको कम करूँगी। कम करने के बाद आप मेजर कर लो और उसके बाद साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर दो, थोड़ा थोड़ा छोटा होने के लिए। थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे कट किया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ जैसे कि एक दो बाल आएंगे वैसे ही कट किया है मैंने। तो उसके बाद मैं इसको कम करूँगी। आप देखो मैंने फ्लिक्स कट कर लिया है और कितना अच्छा है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक है मेरे लिए, मुझे इतना ही चाहिए। तो हेयर को मैं 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करके दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है मेरा फ्लिक्स। तो आप देखो ये फ्लिक्स को आप 2 साइड सेंटर पार्ट में डिवाइड करके भी रख सकते हो, बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही अच्छा लुक देता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद आप साइड कर लो हेयर को और देखो इस तरीके से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा फ्लिक्स। इसको सेट करेंगे पहले, आप देख सकते हो मैं इसको सेट कर रही हूँ एंड बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मेरा फ्लिक्स। तो आप देखो छोटा बड़ा करके हेयर कट आया है और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है मुझे। आप चाहो तो इसको अपने ईयर में भी सिक्योर कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ईयर में सिक्योर करके दिखाती हूँ। ईयर में सिक्योर किया एंड जो छोटे छोटे बाल हैं वो निकल रहे हैं, बहुत ही क्यूट सा लग रहा है। आप देखो कितना अच्छा दिख रहा है मेरा फ्लिक्स। आई लव दिस फ्लिक्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके डन, तो अपना हेयर को ओपन कर लेती हूँ मैं एंड फाइनल लुक। I hope you like this video. If you do, then give a thumbs up and also don't forget to subscribe my channel for more upcoming videos. Stay home, stay safe, keep loving. Bye bye.